Oh my god, she takes everything. And she wants to take it, the full market. Same only. Okay. So I can take? Yeah, I can take now. बस 7:20 को आ जाएगा और 7:20 से 3:10 को लोग वापस घर पहुंचेंगे, तो 7:20 टू 3:10 काफ़ी लंबा टाइम है। स्कूल में दो ब्रेक हैं दोनों के लिए ही। अब टिफ़िन मैं रेडी करूंगी, बच्चों का टिफ़िन रेडी है। मैंने पास्ता बनाया है, साथ में दोनों से कॉलीफ्लावर एग भी दिया है। और ये लंच बॉक्स मैं अभी बैक टू स्कूल शॉपिंग कर रही थी तो लिया था अभी, लेकिन इसका कवर जो है उसको खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। जुजू फिर भी खोल लेती हैं लेकिन बारहवीं को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने वही लंच बॉक्स, क्योंकि स्टील का है इसलिए लिया था, उसी को मैंने एक दूसरा टिफ़िन में डाल दिया है जो वो आसानी से खोल सकती है। ये सूजी का थोड़ा हलवा दिया है मीठा, ताकि कुछ ना खाए तो वो तो खाएगा। थोड़ा सा फ्रूट दिया सेकेंड ब्रेक के लिए, थोड़ा सा चिकन स्टिक भी दिया है। अब देखते हैं बच्चे क्या खाएँगे। This is my. You have to drink, Zusa. Okay, school and. So, ready for school? Yes. 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 Daddy, ready? Here. Yes. So going to school? Yeah. I'm so happy we're वेलकम टू माई चैनल आई वी सिंपल फैमिली इन एब्रॉड। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। और आप देख सकते हैं पूरा घर खाली खाली है, बच्चे स्कूल गए हैं आज, लेकिन थर्सडे है ऑलरेडी। मैं संडे से लेकर थर्सडे तक मैंने टाइम बिताया है बच्चों के बिना। पहले दिन मेरा बहुत मुश्किल था, एकदम खाली घर मुझे काटने को डर रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरा ऐसा हालत हो गया था। बच्चों को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन हाँ फाइनली आज थर्सडे हैं और आज से फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, तो बच्चे भी बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और चलिए अब हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मेरा प्लानिंग तो था गोभी स्टफ पराठा बनाने का, लेकिन बच्चों को बस में छोड़ के आके देखती हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो मैं इतना लंबा नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए गोभी अनियन जो भी काट किया था आटा के साथ गून के मैंने मिक्स पराठा बना रही हूँ। तो ये पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है चाय के साथ, या पिकल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, टेस्टी लगता है। और ब्रेकफास्ट के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासतौर से तब जब आपके पास टाइम की थोड़ी कमी हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं।
और बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो मुझे मुश्किल ये हुई कि मुझे 12वीं का लंच बनाने में थोड़ा मुश्किल हुई, क्योंकि उसका पहले ही फर्स्ट टाइम है जब वो ग्रेड वन में जा रही हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए रह रही हैं। जुजू तो मिलिट्री में है तो उसको तो 2 साल का आदत है और उसको थोड़ा बहुत खाने का आदत हो गया है, लेकिन 12वीं को बिल्कुल भी जो प्रॉपर फूड है, प्रॉपर मील है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है अपने हाथों से। रोटी, चपाती, राइस ये सब मैं ही खिलाती हूँ, अपने से कभी नहीं खाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मैं क्या दूँ उसको, क्योंकि 3:30 बजे तक रहना है। पास्ता में थोड़ा वेजिटेबल वगैरह डाल के, और नूडल्स भी उसको पसंद है और मीठा चीज़ उसको थोड़ा पसंद है, राइस का खीर खा लेती है, सूजी का हलवा खा लेती है। तो ऐसा मीठा चीज़ पहले स्टार्टिंग में दूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मैं जैसे कि रोल, एग रोल हो या वेज रोल हो, पहले भी देती थी तो वो 1 बाइट खाती थी, तो वैसा ही भूख लगेगा तो वो बच्चा खा लेगा। तो सोच रही हूँ एग रोल, वेज रोल, जिससे उसका अच्छे से पेट भर जाए। अच्छा धीरे धीरे थोड़ा आदत करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा उसको जो पसंद है उस टाइप का चीज़ ही देना दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग अगर एकदम से खाना चेंज कर देंगे बच्चों का तो नहीं खाएंगे। एक तो भूखा भी रहेंगे बच्चे, शौक से नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए मैं जो उसको पसंद है वो थोड़ा थोड़ा अभी दे रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसको कम कर करके थोड़ा जो प्रॉपर मील है वो मैं उसके लिए स्टार्ट करूँगी। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, इसलिए अब लंच बना रही हूँ, और लंच पे मैं वेजिटेबल कोरमा बना रही हूँ। ऑयल पे मैंने सरसों और जीरा डाल दिया है, आपके पास करी पत्ता है तो करी पत्ता भी डाल दीजिएगा, और अनियन फ्राई कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, टमाटो और साथ ही में वेजिटेबल डाल दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट मिल्क, मेरे पास कोकोनट फाइन पाउडर था, उसी में वाटर ऐड करके मैं यहाँ डाल रही हूँ। आप कोकोनट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने स्वाद के हिसाब से यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इमली और शुगर ऐड करेंगे तो इसका स्वाद और भी इंक्रीज होगा। और छुट्टी, ये छुट्टी, और भी कैसा लग रहा है स्कूल जाके? ये छुट्टी हाँ? कोई फ्रेंड है कि नहीं इस बार्बी का? परमिटी के एम तो नहीं हाँ? ये तेरे परमिटी लेट तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक चलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।